हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ इंडियन डिश लेकर आई हूँ। आज हम आपको साउथ का बनने वाला अप्पम सिखाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी होता है, तो इस ब्रेकफास्ट को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। अप्पम बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी रवा। रवा से आधा हम दही लिए हैं, यानी कि एक छोटी कटोरी दही, एक चम्मच शक्कर, एक चम्मच नमक, इनो फूड सॉल्ट और जरूरत के अनुसार पानी। तो चलिए हम फटाफट बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज वाला मिक्सर जार ले रखा है, इसमें हम डाल देंगे अपने रवा को। अब हम इसमें डालेंगे दही। अगर आपकी दही ताजी है तो आधा डालिए, खट्टी है तो 1/4 डालिए, नहीं तो अप्पम खट्टा हो जाता है। साथ में हम डाल लेंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो हमने जिस कटोरी से दही लिया है उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डालेंगे और हम इसे एक से दो बार मिक्सर जार में चला लेंगे तो अच्छे से फिट जाएगा। चलिए हम बैटर तैयार कर लेंगे। हमने दो बार मिक्सर को बंद करके चालू करके बैटर तैयार किया है। आप देख सकते हैं अपनी बैटर कैसी तैयार हुई है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अप्पम बनाने के लिए बैटर की। तो चलिए हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी अप्पम के लिए बैटर तैयार हुआ है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक अपनी बैटर सेट हो जाएगी। इतने में हम फटाफट अप्पम के लिए चटनी बना लेंगे। अप्पम के लिए चटनी बनाने के लिए हमने लिया है एक बॉल मूंगफली, जिसे हमने रोस्ट करके छिलके हटा के साफ कर लिए हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 5-6 हरी मिर्च, 4 कली लहसुन की, थोड़ा सा नींबू और नमक। अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटा वाला मिक्सर जार लिया है, इसे चटनी जार भी बोलते हैं। उसमें हम मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और ये रोस्ट किया हुआ मूंगफली। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। एक बार हम इसे ड्राई पीस लेंगे, फिर पानी डाल के पीस के आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चटनी तैयार हुई है। अगर आपको ज्यादा पतला करना है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए, नहीं तो ये अपनी परफेक्ट मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हुई है। इससे अप्पम खाने में बहुत ही मजा आता है, इतना टेस्टी लगता है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा। फाइनली हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम आधी नींबू निचोड़ेंगे। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, लेकिन आधी नींबू इनफ होता है इसके लिए। चलिए हम चम्मच से इसे मिक्स कर ले रहे हैं। तो हम ऐसे चटनी को मिक्स कर लेंगे। नींबू डालने के बाद चटनी और निखर के आता है, टेस्ट तो अच्छा लगता ही है। तो हम चटनी तैयार के लिए चलिए हम अपना बैटर चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा सा अपनी रवा का बैटर जो है वो फूल चुका है, यानी कि अप्पम का बैटर। अब हम इसमें इनो फूड सॉल्ट डालेंगे। तो हम इसमें एक पैकेट इनो फूड सॉल्ट डाल दे रहे हैं। इनो डालने के बाद हम इसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे फेंटेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा झाग जैसा उठेगा, यानी कि इसमें एयर आ जाता है। आप ध्यान से देखिए कैसे ये बबल्स भर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इनो डालने के बाद बैटर को एक ही डायरेक्शन में 1-1.5 मिनट तक फेंट लिया है।
अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गैस पे एक फ्राई पैन रख लिया है। पैन को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है। अब हम इसके ऊपर बेटर डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक चम्मच बेटर लिए हैं और इसमें हम डालेंगे। ये ऑटोमेटिक फैल जाएगा, अपना अपम का शेप ले लेगा। इसे हमें छेड़ना नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम बेटर डाले हैं तो इसमें कैसे बबल्स फूटेंगे, यही अपनी अपम की पहचान होती है। तो ध्यान से देखिए, चारों तरफ ऐसे बबल्स आने शुरू हो गए हैं और हमें इसे स्लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक ऊपर वाली बेटर अपनी सूख न जाए। तो हम इसे कवर से कवर करके आधे मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कितनी बढ़िया अपनी बबल्स आ रही है अपम में। हम आपको दिखाने के लिए खुला पका रहे हैं। आप जब भी पकाइए तो इसे कवर करके और आधे मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर इसे पकाइए। आधा मिनट हो चुका है, हम कवर हटा के अपनी अपम चेक कर ले रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से अपनी अपम सिक चुकी है, इसमें अच्छे से जाली आ गया है। तो यही अपनी परफेक्ट अपम की पहचान है। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसे धीरे धीरे ऐसे उठा लेंगे। इसमें हमने बिल्कुल तेल नहीं डाला है, जरा सा भी नहीं। अगर आप आयरन की तावा पे बना रहे हैं तो उसमें हल्का सा तेल डालिए, फिर तेल को एक गीले कपड़े से पोंछ के और उस पे बेटर डालिए, तो ऐसे ही अपम तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आप दूसरा अपम भी देख लीजिए, कितनी बढ़िया जालीदार तैयार हुई है। तो ऐसे ही हम सभी अपम बनाएंगे। एक बार फिर से आप नजदीक से देख लीजिए। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया अपम बनाना कितना आसान है और खाने में तो बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।